अरे यार, इस पगली को पता चल गया, अब ये रायता फैला देगी। एक बात पूछे आपसे नागराज। पूछो पगली, पूछो। वो आपका मणि कहाँ है? मणि हमको दिखाइए ना। अरे यार, इसने तो रायता फैलाना शुरू भी कर दिया। क्या बोल रहे हैं? हमको मणि दिखाइए ना। वो क्या है ना पगली, वो जो वो मणि होता है ना, वो दरअसल वो हमारे मस्तिष्क में है। क्या कर रहे हो पगली? हमको मणि देखना है। पगली, क्या है ना कि ये जो इच्छाधारी सांप होते हैं ना, ये अपनी मणि नाग अमावस्या के दिन ही बाहर निकालते हैं। तो ये नाग अमावस्या कब आता है? अरे यार, जब आएगा तो पता चल जाएगा ना। ठीक बा, लेकिन आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमको अपना मणि दिखाएंगे। कीजिए वादा। हाँ ठीक है, वादा करते हैं कि हम तुम्हें दिखा देंगे। अभी नागराज को बहुत नींद आ रही है। ठीक है, चल। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। और खाके उन सांपों पे हाथ क्यों धो दिया मैंने यार? अब तो जान से हाथ धोने की नौबत आ रही है यार। और ऊपर से घटिया पड़ोसी वो तिवारी का बच्चा, आज तो इनका सांप निकला। God, it's so confusing. यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी नहीं, अभी तो दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी सब याद दिलाएंगे। तिवारी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो मैं पैर भी पकड़ लूंगा, बस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। हम माफ नहीं, आपको साफ कर देंगे। जो भैया जो बैठे हुए मणिधारी सांप, तो भैया बजाओ बीन फिर तनक। अबे यार क्यों पंगा ले रहे हो, सांप में गुस्सा भर रहा है। अरे यार, तो तुम का इतना गुस्सा हो रहे हो? लौंडा ससुर बीन ही तो बजा रही हैं, और फिर बीन तो वैसे भी इच्छाधारी नाग को मनपसंद संगीत होता है। बजा बजा बजा, मणि चाहिए हमें। अरे जी क्या कर रहे भैया जी? एक एक को डस लूंगा, चुपचाप निकल लो यहाँ से। भैया हम आपसे मनी तो मांग रहे हैं, आपकी जान थोड़ी मांग रहे हैं। हाँ लौंडा ठीक ही तो कह रहा है। भैया मैंने सुना है कि आप एक जहरीले सांप हैं। हाँ है तो? तो भैया क्या है ना कि मुझे सांपों से अपने आप को कटवाने में बहुत मजा आता है। आई लाइक इट। तो आप मुझे थोड़ी सी स्नेक बाइट दीजिए ना। मेरा जहर जो है ना बहुत तीखा है, तुम मर जाएगा। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं, दुनिया का जो सबसे जहरीला सांप होता है ना कोबरा, जब उससे कटवा के मुझे कुछ नहीं होता, तो आप तो आस्तीन के सांप हैं। काटे ना, काटे ना। I like it. I like it. हम हैं मामी जी। अरे अनीता जी आइए, अब बैठिए। कैसे बा? अंगूरी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा अंगूरी जी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लड्डू के भैया पागल हो गए हैं। नहीं नहीं अनीता जी, वो तो एकदम ठीक है। कहाँ बात कर रही हैं आप? अरे कहाँ ठीक है, वो इच्छाधारी नाग बनने का नाटक कर रहे हैं, ये पागलपन नहीं है तो और क्या है? अनीता जी वो नाटक ना ही कर रहे हैं, लड्डू के भैया तो सच में इच्छाधारी नाग हैं। क्या अंगूरी जी, आप भी ऐसी सुपरस्टिशियस बातों पर यकीन करती हैं?
नहीं नहीं सुपरस्टार नहीं है। वो सुपरस्टार नहीं सुपरस्टिशियस होता है। सही पकड़े हैं। आप जो बोल रही हैं ना ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि भैया सच में इच्छाधारी नाग है। भैया हम तो उनकी पूजा भी करते हैं। अरे लेकिन आप ये बात कैसे इतने दावे के साथ कह सकती हैं? हमको अम्मा जी बता ही रही। वो तो बहुत बड़ी अंधविश्वासी हैं। क्या बोली? अरे नहीं मैं एक्चुअली आपसे पूछ रही थी कि अम्मा जी क्या कह रही थी। हाँ आपको बताया नहीं था जी? अम्मा जी हमको बता ही रहे जब लड्डू के भैया छोटे थे ना बचपन में तो उनको एक ठो सांप काट लिए थे। अभी जैसे तैसे पंडित रामफल लड्डू के भैया को बचाए। फिर पंडित रामफल ही अम्मा जी को बताए कि वो सांप कौन ऐसा वैसा सांप नहीं था वो तो इच्छाधारी सांप था। आपके कहने का मतलब ये है कि तिवारी जी को एक सांप ने काट लिया इसकी वजह से वो सांप बन गए? सही पकड़े हैं। बिल्कुल यही बात है। ओ अंगूरी जी मैं आपको कैसे समझाऊं? आप मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही है कोई बात नहीं लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके सामने सच्चाई ला कर रहूंगी। तिवारी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मत काटिए प्लीज। तूने जो किया उसका सिर्फ एक ही दंड है वो है मृत्यु दंड। देखिए मेरी बात सुनिए मैं ना उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। I'm sorry for it। और फिर मैंने इतना बड़ा कोई अपराध भी नहीं किया कि मुझे इतना बड़ा दंड दिया जाए। क्या कहा? तूने कोई अपराध नहीं किया? तूने दो सर्प प्रेमियों को नाग अष्टमी के दिन प्रेम क्रीड़ा में लिप्त होते हुए डिस्टर्ब किया। यार एक मिनट जमान अंदर कीजिए अंदर कीजिए इसको। देखिए मैं बताऊं आपको कि बड़ा खुल्लम खुल्ला कर रहे थे रोमांस यार वो। आसपास झाड़ी है जंगल वहां चले जाते वो कोई जगह थी मतलब चाट वाले के एकदम राइट अंडर हिज नोज वहां रोमांस कर रहे थे बताइए। और फिर मैंने जानकर वो डिस्टर्ब नहीं किया कुछ जगह प्रेम लीला करने की। दूसरी बात है कि प्रेम लीला ना छुपके की जाती है खुल्लम खुल्ला नहीं की जाती। हम नाग लोग खुल्लम खुल्ला ही प्रेम लीला करते हैं। एक मिनट जबान अंदर की। वो भाभी जी के साथ तो मैंने कभी देखा नहीं आपको खुल्लम खुल्ला प्रेम लीला करते हुए। मत भूल अंगूरी एक इंसान है। जो भी है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज तिवारी जी हम सॉरी। देंगे माफ लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या 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 शर्त है? तुझे भाभी जी को अपनी बहन बनाना होगा। व्हाट आर यू टॉकिंग? इसके अलावा कोई चारा नहीं। मैं अपनी बीवी को अपनी बहन कैसे बना सकता हूँ? व्हाट आर यू टॉकिंग यार? बिल्कुल नहीं तो कोई चारा नहीं तिवारी जी प्लीज सवाल अंदर कीजिए ना। आप नाग कम्युनिटी के इतने पुराने मेंबर हैं कम से कम एक जस्ट पुट इन अ वर्ड फॉर मी मेरे कुछ दो बात बोल दीजिए। और फिर आप हमारे पड़ोसी भी तो हैं प्लीज। नहीं हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे नाग लोग के यही कानून है यही नियम है कि अगर कोई इंसान दो सर्प प्रेमियों को नाग अष्टमी के दिन प्रेम लीला में लिप्त होते हुए डिस्टर्ब करता तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। यार मैं अपनी बीवी को अपनी बहन कैसे बोल दूं यार? कोई अपनी बीवी को बहन बोलता है क्या? जब अनु मेरी गर्लफ्रेंड थी तो इसके डैड ने और इसके भाई ने मुझे कितना धोया कितना कूटा गुंडों से भी कटवाया लेकिन मैंने तब बहन नहीं बोला इसको। सर उस टाइम तो मामला इंसानों का था लेकिन यहाँ तो मामला सांपों का अकाउंट। मैं अपनी बीवी को कैसे बहन बोल दूं यार? कैसे बोल? मैं नहीं बोलूंगा। मैं अपनी बीवी को बहन नहीं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बहन नहीं बोलूंगा। मैं बहन नहीं बोलूंगा। आज ना मेरा बहुत रोमांटिक मूड हो रहा है। इसका भी ना हमेशा कलर टाइम पे रोमांटिक मूड होता है। सोने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? पास आओ ना। मेरा आज बहुत रोमांटिक मूड हो रहा है विभू। लेकिन मुझे ना नींद आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहे हो? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।